आइए आज आपको लिए चलते हैं जिला चापा जांजगीर छत्तीसगढ़ के किसानों के राग विराग को जानने समझने के लिए इस खास रिपोर्ट की ओर। अभी सब सोसाइटी के करे सूचना दे रहे थे दुकान वाला लेना लेना। मैं ग्राम देवरी का रहने वाला कृषक हूँ। मैं पूर्व मंडी कृषि उपज मंडी समिति शक्ति का अध्यक्ष रहा हूँ एवं उस समय की खरीदी की परेशानी किसानों को और आज जोगी जी के शासन काल से जब इस सहकारी से में खरीदी शुरू हो गई तो अब छोटे बड़े सब किसान यहाँ बेच लेते हैं धान। शक्ति जब थी तो किसान बेच नहीं पाते थे, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है शक्ति। अब सारे एरिया का धान जो है मंडी में जाती थी तो हम लोग बड़ा परेशानी होता था वहाँ के संचालक मंडल को सबकी उसको जल्दी से सुलटाने के लिए। तो अब ये जो समिति सेवा सहकारी समितियों में आ गया ना धान खरीदी, ये बहुत ही अच्छा हुआ किसानों के हक के लिए। अंदर गबेर देवरी कृषक हूँ और पूर्व में 20 साल पहले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 11 साल डायरेक्टर था जी। और वहाँ लोन कमेटी में भी था मैं और यहाँ का पूर्व में अध्यक्ष भी था मैं सेवा सहकारी समिति का जी। और यहाँ जब शासन की जो सुविधाएँ अभी दे रही है उसका इंतजार कर रहे हैं, बस क्या देती है देती है, अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो नहीं आती तो फिर ये देती क्या बीजेपी जो नेता देगी वो देगी और क्या। जो नियम बनाया है वो तो बहुत बढ़िया है, टोकन सिस्टम किया है। बाकी ये दिक्कत है किसानों का 15 क्विंटल के बजाय उसको और ज़्यादा लेता तो ज़्यादा बेहतर था। क्या है 20 क्विंटल 25 क्विंटल कम से कम धान किसान लोग उपजा रहे हैं और खरीदी के लिए मात्र 15 क्विंटल ही लिया जा रहा है, तो बाकी धानों को बेचने के लिए किसानों को औने पौने मूल्य में बाजार में बेचना पड़ता है। धान उत्पादन केंद्र देवरवाल आज से शुभारम्भ हो रहा है जी। किसानों से मेरा अपील है कि साफ सुथरा अच्छे से धान लाएं और सही तरीके से अपना तौल कराएं, किसी प्रकार की कोई भी मतलब गलत मत होए किसी को। प्रबंधक महोदय, आज दिसंबर महीना अच्छा शुरू हो गया है, इतना लेट क्यों हो गया उद्घाटन में? लेट अब धान ही कटाई में लेट हुआ है ना। अच्छा, तो खेत में खरीदी होता है यहाँ मतलब चैनल है।